अब्दुल करीम टुंडा। नाम को जाना पहचाना सा लगा? ये वही अब्दुल करीम टुंडा है जिस पर 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप लगा। उसे गिरफ्तार किया गया, सालों केस चला और फाइनली लगभग 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। वजह, सीबीआई को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के इस आरोपी को अदालत ने रिहा कर दिया। लेकिन इसी केस में इरफान और हमीदुद्दीन, जो टुंडा के साथी बताए जाते थे, उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई और टुंडा जेल से बाहर आने वाला था। लेकिन यही कहानी रुकी नहीं। अब्दुल करीम टुंडा पर एक और मामले का आरोप था जिसमें उसे दोषी करार दे दिया गया और टुंडा अब भी जेल में ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अब्दुल करीम टुंडा की कहानी, 1993 के बम ब्लास्ट की कहानी जिसने सैकड़ों लोगों को घायल किया और एक इंसान की जान ले ली। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। इन ब्लास्ट में सैकड़ों लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सीबीआई ने साल 1994 में सभी मामले को क्लब करके अजमेर की टाडा कोर्ट में भेज दिया। इस मामले में करीब 30 साल सुनवाई चली। सीबीआई ने अब्दुल करीम टुंडा को इन धमाकों का मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन अब 29 फरवरी 2024 को अजमेर की टाटा कोर्ट ने 30 साल के बाद इसी अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों की कमी के आधार पर इस केस से बरी कर दिया। सुनिए अब्दुल करीम टुंडा के वकील की जुबानी कि आखिर कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने अब्दुल करीम टुंडा की सजा माफ कर दी। अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। किसी धारा, किसी एक्शन में उसको कसूरवार नहीं पाया है। वो शुरू से उसकी तरफ से कहा जा रहा था वो निर्दोष है और वो निर्दोषता आज उसकी साबित हुई है। सीबीआई अपनी किसी बात को न्यायालय में साबित नहीं कर सकी। अगर सीबीआई की बातों में दम होता, उसके पास तथ्य सबूत होते तो अदालत में साबित होते। सीबीआई ने अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस न्यायालय में पेश नहीं की, जिसका लाभ अब्दुल करीम टुंडा को मिला। हर मुलजिम जिस आदमी को आजीवन कारावास तक की सजा का वो हो और उसका फैसला हो तो आप समझ सकते हो जब वो बरी हो सकता है तो खुश हो गई। अब्दुल करीम टुंडा ने भी खुश होकर के हाथ जोड़ करके न्यायाधीश महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया, शुक्रिया कहा और उनसे कहा कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको खूब तरक्की दे। साल 2013 में सीबीआई ने अब्दुल करीम टुंडा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। उस पर देश के अलग अलग इलाकों में आतंकवाद के कई मुकदमे चल रहे थे। अब्दुल करीम टुंडा पर मुस्लिम युवकों को देश के खिलाफ भड़काने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का भी आरोप था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल करीम टुंडा युवाओं को आतंकवादी गतिविधि की ट्रेनिंग देता था। टुंडा 1996 और 1998 में बम हमलों की साजिश रचने के लिए ढाका से भारत लौट आया था और 1996 से 98 के बीच दिल्ली में लगभग सभी बम विस्फोटों में टुंडा शामिल बताया जाता था। इसके बाद टुंडा गाजियाबाद के अपने घर से 1998 में पाकिस्तान होते हुए वापस बांग्लादेश चला गया। टुंडा ने 2010 में भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले सीरियल ब्लास्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। दिल्ली के दरियागंज में जन्मा अब्दुल करीम टुंडा पेशे से कारपेंटर था। टुंडा के पिता तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को गलाने का काम करते थे। पिता की मौत के बाद टुंडा ने कबाड़ी का काम शुरू किया और आतंकवादी बनने से पहले उसने कपड़ों का भी कारोबार किया। 80 के दशक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गुर्गों के माध्यम से वो लश्कर के संपर्क में आया और वो एक कट्टरपंथी बन गया। टुंडा ने 3 शादियां भी की। 65 साल की उम्र में एक 18 साल की लड़की से तीसरा निकाह रचाया। 1992 में भारत से बांग्लादेश भागने वाले टुंडा ने बांग्लादेश और बाद में पाकिस्तान में आतंकवादियों को बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1985 में टुंडा राजस्थान के टोंक जिले की एक मस्जिद में कुछ मुस्लिम युवकों को पाइप गन चलाकर दिखा रहा था, तभी ये गन फट गई जिसमें उसका एक हाथ का पंजा उड़ गया। इसी के कारण उसका नाम टुंडा पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 30 साल क्यों लग गए सीबीआई को यह साबित करने में कि टुंडा इन सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी नहीं था, उसे गलती से अरेस्ट कर लिया था। क्या एक आतंकवादी होने के बावजूद टुंडा को सीबीआई का आतंकवादी साबित नहीं कर पाई? क्या यह सीबीआई की नाकामी नहीं बताता? क्या घायल होने वाले और मरने वाले उन सभी लोगों के साथ ये नाइंसाफी नहीं है? इन सभी सवालों के आपके पास क्या जवाब है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यूज को। मैं हूं पारस कोठारी और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें और उनका एनालिसिस जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।